अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक 3.5 मरला का घर शेयर करने वाला हूँ, जो कि केनाल रोड के ऊपर मौजूद है और मनामा वाले एरिया में मिलता है। यहाँ पे आपको केनाल फोर्ट्स का फेज 2 मिलता है, उसके अंदर ये घर मौजूद है। इस घर में आपको तकरीबन 4 रूम्स मिल जाते हैं, अच्छा टाइल और मार्बल का आपको काम मिलता है, किचन के अंदर लकड़ी का अच्छा काम किया गया है, दरवाजे एक सॉलिड लकड़ी के मिलते हैं और ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलती है और घर को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया गया है। इस घर की एक डिमांड तकरीबन 75 लाख की जा रही है और ये घर आपको केनाल फोर्ट्स 2 में बी ब्लॉक में मिलता है। और इसका सबसे जो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि इसके साथ आपको किंगस्टन कॉलेज मिलता है। इस सोसाइटी में अच्छी मार्केट आ चुकी है, अच्छा यहाँ पे सीवरेज है, पानी बिजली की सारी सहूलियात आपको मिलती हैं, रोड्स आपको यहाँ पे काफी वाइड मिलते हैं, काफी साफ सुथरा माहौल है, 2-3 आपको यहाँ पे मस्जिदें मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं घर का एक डिटेल विजिट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि घर अंदर से कैसा बना हुआ है। ये जो आप रोड्स देख रहे हैं ये केनाल फोर्ट्स फेज 2 के रोड्स हैं और ये 2 सेम स्ट्रक्चर में 2 घर बने हुए हैं। ये तो सेल हो चुके हैं और ये स्लाइटली यूज्ड घर है और ये फॉर सेल आया हुआ है और मैं आज आप लोगों के लिए ये घर लेके आया हूँ। ये तकरीबन 3.5 मरला के अंदर घर है, आपको एक मेन गेट मिलता है और आपको जो कार पोर्च है वो एक छोटी गाड़ी के लिए इनफ है और आप अगर बाइक्स खड़ी करना चाहते हैं तो आप इजीली 5-7 बाइक्स इजीली खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छी फॉल सीलिंग मिलती है और यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस इसी तरह आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे किचन नज़र आता है और किचन में काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और उसके बाद राइट साइड पे आपको स्टेयर्स मिलती हैं। स्टेयर्स ऊपर जाने से पहले हम नीचे देख लेते हैं, अगर आप पीछे कारपोर्च में आते हैं अगेन तो आपको यहाँ पर ड्राइंग रूम मिल जाता है। ड्राइंग रूम आपको एक अच्छा मिलता है और यहाँ पर आपको वही एरिया दोबारा मिल जाता है जहाँ पे आप ऊपर जाते हैं। यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह, यहाँ पे आप इस एरिया को एज अ टीवी लाउंज भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह रख सकते हैं और एक 3.5 मरला के हिसाब से बड़ा अच्छा बनाया गया घर। अगेन हम मेन एंट्रेंस से अंदर जाते हैं और यहाँ पे अगेन किचन और सामने आपको बेड मिलता है, काफ़ी अच्छा और खुला बेड है। नीचे पत्थर का इस्तेमाल मिलता है, अच्छा पेंट, फॉल सीलिंग वगैरह आपको मिलती है। और यहाँ पर आपको जो वाशरूम मिलता है वो आपको दिखा देता हूँ, एक अच्छी टाइप का इस्तेमाल आपको मिलता है, सीट लगाई गई है और ऊपर फॉल सीलिंग मिलती है, वहाँ पे आप इजीली एग्जॉस्ट वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको बेसन मिल जाता है। अब हम चलते हैं ऊपर और ऊपर का आपको दिखा देते हैं। ये आपको स्टेयर्स पे एक अच्छी रेलिंग और मार्बल वगैरह मिलता है, स्कर्टिंग अच्छी लगाई गई है, पेंट वगैरह अच्छा किया गया है और थोड़ी सी सफाई, क्योंकि ये थोड़ा सा यूज्ड घर है और काफ़ी अर्सा से खाली पड़ा है तो थोड़ी सी सफाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएगी, लेकिन एक जो अच्छी क्वालिटी का काम, इसको दोबारा से अच्छा रेनोवेट किया गया। यहाँ से फिर सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ऊपर एक मास्टर बेड है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 2 बेड मिल जाते हैं, आप नीचे से आए और आते ही आप लेफ्ट साइड पे ये एक बड़ा बेड है जिसको फ्रंट गली लगती है और आप इजीली यहाँ पे अपनी सेटिंग कर सकते हैं। ये ऊपर फॉल सीलिंग है और सबसे यहाँ पे जो यूनिक चीज़ है, यहाँ पे आपको तकरीबन 10 कपबोर्ड्स मिलते हैं और 5 बड़े हैं और 5 छोटे हैं और उनका इस्तेमाल मटेरियल बहुत अच्छा लगाया गया और इस तरह ऊपर भी आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे आप इजीली शीशा वगैरह या LED वगैरह लगा के सारा आपको ये भी काफ़ी बड़ा कपबोर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं। ये आपको वो यहाँ पे वाशरूम मिलता है, यहाँ पे आपको अच्छी टाइल का इस्तेमाल, ऊपर फॉल सीलिंग और आपको बेसन और कमोड वगैरह मिल जाता है। अब हम दूसरा बेड देख लेते हैं, तो दूसरे बेड में आपको तकरीबन उस से बेड से थोड़ा सा छोटा साइज़ मिलता है, ऊपर एक अच्छी फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो वाशरूम मिलता है, यहाँ पे अभी लाइट उस तरह से नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पे कमोड आपको मिलता है, बेसन है और आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है। उसके अलावा एलुमिनियम में आपको खिड़कियाँ वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं। बहुत अच्छा काम किया गया है, अच्छी तरीके से इसको रिनोवेट किया गया है। अब हम चलते हैं ऊपर, अगेन सीढ़ियों पे अच्छा मार्बल का इस्तेमाल मिलता है आपको और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी आपको फॉल सीलिंग मिलती है, पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग मिलती है। ये हम ऊपर का छत देख लेते हैं, ये इसका ओपन एरिया है और जो मैं आपको बता रहा था इसका ऊपर आपको मास्टर बेड भी मिलता है तो वो ये है सामने, अभी हम उसको भी देखते हैं। ये इसके सामने सारे नेबर्स का एरिया है और इस तरह से बड़े एक तरतीब के अंदर सारे घर आपको मिलते हैं। अब हम इसका मास्टर बेड देख लेते हैं, ये आप मास्टर बेड देख रहे हो, ये सबसे ऊपर आपको एक्स्ट्रा एक बोनस मिल जाता है कि ऊपर आपको एक मास्टर बेड मिलता है, एक अच्छी फॉल सीलिंग और सारा ये वेंटिलेशन का एरिया जो कि घर के नीचे तक जा रहा है। और ये आपको एक वाशरूम मिलता है और यहाँ पे आपको सारे कपबोर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि L-शेप के अंदर बनाए गए हैं और काफ़ी आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। स्क्रीन पे आप इस घर की डिमांड वगैरह देख रहे होंगे, इसकी परफेक्ट लोकेशन के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए या इसके बारे में मजीद मालूमात लेने के लिए आप इजीली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये हम 3.5 मरला का घर देख रहे थे जो कि मेहरबान प्रॉपर्टी ग्रुप के पास डायरेक्टली अवेलेबल है। अगर आप इस घर के अंदर इंटरेस्टेड है या इस सोसाइटी के अंदर और घरों में इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली मेहरबान ग्रुप से रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा इस सोसाइटी में और भी बहुत से घर मौजूद है जो कि 5 मरला और 10 मरला के अंदर है और इस सोसाइटी के सराउंडिंग में भी तकरीबन 8 से 10 सोसाइटीज है जिसके अंदर 3 मरला, 2.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला और
10 मरला के बहुत से प्लॉट्स हैं और बहुत से घर मौजूद हैं और मेहरबान प्रॉपर्टी ग्रुप के पास डायरेक्टली मौजूद है। आप इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके इजिली सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।